पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से घर बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फाउंडेशन के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, घर में टर्माइट के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी। तो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हुए आज इस वीडियो में बात करेंगे घर में जो कमरे की लोकेशन होनी चाहिए वो किस तरह होनी चाहिए। मेनली अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक कंपास बनी हुई दिखाई देगी। इस कंपास को आप अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग घुमा सकते हो। नॉर्थ आपका किस तरफ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये देख के आप खड़े होकर देख सकते हो फ्रंट में। तो जैसे इस मैप में दिखाई दे रहा है कि फ्रंट की तरफ रोड है, तो इस तरफ इसके अकॉर्डिंग आप इसका ईस्ट सामने है। ईस्ट सामने होने की वजह से इसका नॉर्थ साइड में आता है और वेस्ट इसका बैक साइड में आता है। तो आप इस तरीके से इस जो टेबल इसके पास में बनी हुई है इससे आप मैच कर सकते हो। तो जैसे हमारे घर के चार कोण होते हैं, राहु कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, ईश्वर कोण, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो कि जो आपका सबसे बढ़िया जो कॉर्नर है आपका कौन से रूम के लिए बढ़िया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निकोण। अग्निकोण में हमेशा किचन जो है अच्छा रहता है। राहु कोण में आपका मास्टर बेडरूम, स्टेयरकेस, ये अच्छी रहती हैं। ईस्ट में आपका मेन पार्किंग या मेन गेट होना चाहिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है। वेस्ट में आपका ओवरहेड टैंक के लिए जो छत पर आप टैंक रखते हो वो सबसे अच्छा माना जाता है। बेडरूम, स्टेयरकेस, टॉयलेट भी बना सकते हो। वायु कोण में आप टॉयलेट बना सकते हो, गेस्ट रूम बना सकते हो, लिविंग रूम बना सकते हो, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें आप वायु कोण में किचन नहीं बना सकते। ईश्वर कोण की बात करें तो आप इसमें टेंपल बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो। इसमें आप टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, किचन आपको नहीं बनाना चाहिए, स्टेयरकेस भी आपको नहीं बनाना चाहिए। और आपका जो सेंटर एरिया है वो हमेशा लिविंग रूम या लॉबी के लिए ओपन रहना चाहिए। नॉर्थ में बात करें तो आप ये गेस्ट रूम के लिए अच्छा माना जाता है, टेंपल के लिए भी अच्छा माना जाता है। नॉर्थ में भी आपका किचन या ओवरहेड टैंक आपका नहीं होना चाहिए। तो आप इस टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा अपने घर।